कौन बच गए? बिलाल अदर से मैं बच गया। फरमाया पियो, रज रज के पियो, एक प्याला दूध का पी पी के जेड़े वेले लिठे ने ओ प्याला उए तो उए उछलदा पिया। सहाबा کرام सवाल कर रहे से कितो ये बरकत? फरमाया अल बरकत मिन अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है बरकत देवण वाला? अल्लाह। अल्लाह ही बरकत देवण वाला। कख लख बणवंदे ते अगर लख होवे ते ओ कख च बदल वने लखा आवन जिन करोड़ा आवन जिन अरबा आवन जिन आनन फानन पैसा खत्म थे आनन फानन गण खत्म थी गई आनन फानन बेबरकती थी गई है। और तो हालत ए है कि सारी उम्र की बेबरकती आ गई है। साढ़े ईमान कमजोर थी गए साढ़े अमला के अंदर बरकत कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तो बरकत का माना समझे ना मसल الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة बरकत का माना समझना है तो मेरे एक दाने को समझ जा। सुभान अल्लाह। किस को लो बोलो? एक दाने। एक दाने को अल्लाह सैया तेरे दाने को कीवे बरकत समझो। फरमाया के जेड़े वेले जट बंदा दाना चा के ते छट के ते घर आवे दे मैं क्या करेंगा एक एक दाने को अपनी रहमत दे पहले दे के मैं उदी हिफाजत करेंगा हिफाजत करके बल मैं क्या करेंगा इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वल्लाह। सुभान अल्लाह। वल उदाने को असा आप चिरे दे आए दाना चिर गया है चिरन तो बाद इन्नल्लाह फालिकुल हब्ब वल्लाह। दाना चिर गया है चिरन तो बाद बरकत आए मसल लजीना सुनफिकूना अमवालहु फी सबीलिल्लाह का मसल हब्बतिन। अल्लाह सैया जेड़ा मेरे रस्ते ते अल्लाह पाक फरमांदे जेड़े मेरे रस्ते ते माल खर्च करदा है उंदा सवाब मैं समझंदा पिया एक दाने नाल सवाब विच भी बरकत दाने विच भी बरकत। अल्लाह फरमाते मैं दाने को चिरे ना कमा साले हब्बा दे दाना चिर गया है अंबा दा सवा समा बेला मैं हेक दाने विचू सद पौधे पैदा करया। सुभान अल्लाह। सद पौधा हर पौधे को जवानी देगा नाड़ी चढ़दी है बल हर नाड़ी दे उते मैं एक सिंटा पैदा करेना बल मैं क्या करेना फी कुल सुंबला ते मिया तो हबबा। सुभान अल्लाह। बल मैं हर सिंटे के अंदर 100 दाने भर देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान नाल कड़े खड़ी है ते नाल अल्लाह का कुरान बयान कर दी। सुभान अल्लाह। का मसाले हब्बा ते बदले कितने थी सत सिटे हर सिटे सौ दाने जरब लो कितना थी सात सौ दाने एक दाने को कितने बना लेते सात सौ दाने बना लेते। अल्लाह पाक फरमांदे सिर्फ सात सौ की हदबंदी नहीं बल्कि मैं तो वादा पिया वल्लाह जुजाए फल मई यशा
मैं सात सौ कह दा मैं एक मिसाल दी है मैं एक दाने को सात लाख भी बना देना सुभान अल्लाह एक दाने को सात अरब भी बना देना वल्लाहु युज़ाइफुल मैयशा वल्लाहु वासिउल अलीम ओ बड़िया फराखियां वाला बड़िया गुसदा वाला बड़िया कुदरत वाला ਬਈਆ ਬਰਤਾਲਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੱਤਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਬਰਕਤਾ ਕਰੇ ਦੇ ਇਤਨਾ ਬਰਕਤਾ ਕਰੇ ਦੇ ਕਿ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਜ਼ਾਇਬੁਲ ਮੈਂ ਯਸ਼ਾ ਵੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਉਲ ਅਲੀਮ बरकत देवन वाला सिर्फ मैं बरकत लख मैं बड़े ना लेकिन अगली गाल सुनो बरकत आंदी की बरकत केड़े वेले आंदी है बरकत दे सबब केड़े हैं केड़े अमल हैं कि जड़ा बंदा अमल करे ते अल्लाह बरकत अता फरमांदे अल्लाह पाक फरमांदे सब तो पहला ता अमल है अल्लाह दा कुरान सुभान अल्लाह क्या है अल्लाह दा कुरान अल्लाह दा कुरान अल्लाह दे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला कानून कुरान है बेशक पहला कानून बरकत दा कुरान है बेशक बरकत दा शिकर नहीं है यानी जिथा कुरान है उठाई बरकत है घर में कुरान है घर में बरकत है हत्ता के बाजार कुरान दा राज है बाजार च बरकत है दुकान दा राज कुरान दा राज दुकान है ते दुकान च बरकत है अगर मुल्क दे अंदर ओ आईन दे उते कुरान दा राज है ते मुल्क दे उते बरकत है जेडी सब तो पहला कानून बरकत हासिल करन दा अल्लाह दा कुरान है इस वास्ते फरमाया तबारक अल्लजी नज़ल अल फरकान नारे तकबीर शाने कुरान बरकत देवन वाला कौन अल्लाह सिरे वाला ते बरकत देना की में ते केड़े वेले बरकत अता करे दे जेड़े वेले कुरान होए जेड़े सीने च कुरान है उस सीने च बरकत है सुभान अल्लाह जेड़े सीने च कुरान है उए च बरकत बरकत है ਜਿੱਥਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਹੈ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਥੀ ਵਨੇ ਸੇ ਅਕੀਦਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ अकीदा भी कुरान अल्लाह दे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु आखो जा सारे आखो अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखो जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत चले मेराज को पगल औला बे कमाल ही किथे गए अल्लाह दे पाक पैगंबर मेराज मेराज ये सारा अकीदा है हजरत चले मेराज को बला बलोला बेकमाल ही अंधेरा था केड़ी चीज अंधेरा था शिर्क दा अंधेरा बिदता दा अंधेरा रुसूमा दा अंधेरा पानिया को जिंदा दफन करन दा अंधेरा हत्ता के एक दूजे नाल लड़ाई लड़न दा अंधेरा हत्ता के एक दूजे नाल मुखालफत ते नफरत दा अंधेरा अंधेरा तो उजाला हुआ सुभान अल्लाह कशफ दुजा बे जमाली आमाल उनके थे भले हसनत जमी ओ हिसा नहीं दरूद पर तुम पढ़ो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਵਾਨ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਥੀਂਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਥੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਆਹ ਜੱਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ क्या मैं अर्ज करना पे हूं याद है मसल या बरकत या बरकत या बरकत जी जहालत का दौर दौर आसमान पे अंधेरा जहालत हजरत चले मेराज को बरकत लेवण वाला कौन अल्लाह अल्लाह पाक फरमाने सब तो पहला जेड़ा बरकत का कानून है जिस के जरिए बरकत मिलनी है वो मेरा कुरान है सुभान अल्लाह मेरा कुरान है कुरान दे है के हर फिर बरकत बेशक कुरान दे है के लफ्ज बरकत बेशक कुरान दे है के जुमले च बरकत कुरान दे है के आयत च बरकत कुरान दे है के सूरत च बरकत अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ पढ़ो वाले पढ़ो अलिफ लाम मीम पढ़ो अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम पढ़ो अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम कई लोग जनाजे दे बाद दुआ नहीं मंगी ते हुन कोलो पुछो चा मैं जनाजा दा सुना नहीं आंदा नहीं आंदा मियां सिखो जनाजा सिखो दीन सिखो पढ़ो अलिफ लाम मीम सुभान अल्लाह अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम कितने हर्फ हैं त्रय त्रय लाम त्रय कितने हैं त्रय हर्फ अल्लाह दे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह फरमाते हैं तू साए ना समझो के सिर्फ त्रय हर्फ है बल्कि तुसा ए ना समझो के एक हर्फ है बल्कि त्रय हर्फ अलिफ हर्फ लाम हर्फ मीम हर्फ ते हर हर्फ दे विच दा हर्फ है सुभान अल्लाह कितनी बरकत है हर हर्फ विच दा दा हर्फ मैं आदाऊंगा कि जरा शुरू से नियत ना अल्लाह का कुरान पढ़े जा मुकम्मल चेक करें ई में आप उल्गा कुरान पढ़े सुभान अल्लाह कितनी पढ़े दा कुरान दा कुरान ये मेरी जिम्मेवारी है जिम्मेवारी नाल गौर कर करें फरमाया आले फन हर फन लाम अल्लाह रुकन मीम अल्लाह रुकन अलफ एक हर लाम बियार मीम बियार फरमाया कि हर हर्फ के बदले दा हर्फ यानी हर हर्फ के बदले विच दा नेकियां जेड़ा बंदा इयो पढ़दे अलिफ लाम मीम अल्लाह फरिश्ते को आखदे इने नामा माल त्रिह नेकियां लिखे सुभान अल्लाह
क्या लिख लो? त्री नेकियां लिख दी। नेकियां लिख दी फरिश्ते, त्री नेकियां लिख दी। पढ़े वो कितने यार थे ना, त्रा यार, अलिफ लाम नियम दाल है कि जिन्हें को कुरान सारा नहीं आंदा, जेड़े सारा कुरान पढ़े अंदर हाथ खड़ा कर, शर्म वाली गल है। जेड़े सारा नहीं पढ़े हुए, कुछ पढ़े हुए लो हाथ खड़ा कर, जिन्हें को एक हाथ आया तो आ गए माशाल्लाह। मेरा आखा ना मतलब है कि एक आयत जो आ गई है रोज पढ़ो, एक आयत जिन्हें कुरान की रोजाना तिलावत करनी है, इन्हें सारा कुरान पाक नहीं आना, एक आयत भी याद है ओ रोजाना नमाज पढ़ के हूँ एक आयत को पढ़े पढ़े हुक याद रखे, जब उदा सूरता याद है तो रोजाना उदा सूरता पढ़े, जब को मुकम्मल कुरान है, ये नहीं कि एक आयत जो आदि है वह हूँ दोते बैठा रहे वो भी पढ़ता रहे, तो कुरान पाक भी बन के सीखे पढ़े। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते कि जेड़ा बंदा कुरान पढ़ते जिवें जट लोग जाता ता ता अटक अटक के पढ़ते, क्या करे दे अटक अटक पढ़ता है लेकिन किवें पढ़ते, अटक अटक के पढ़ते जिवें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब ए अटक अटक के पढ़ते, एक तरतील दे नाल पढ़ना, जेड़ा अगर कटक के पढ़ दे अल्लाह पाक को दूने की अदा करे, सुभान अल्लाह, एक पढ़न दा दे एक मुशक्कत दा अल्लाह, सुभान अल्लाह, हां को जा सुभान अल्लाह, एक पढ़न दा दे भाई अटकन तकलीफ नाल पढ़न दा मुशक्कत दा अल्लाह अलहदा सवाब दे दे, सुभान अल्लाह। जे आदमी हाफिज़ कुरान जेड़ा अगर इम्तिहान चले वे नंबर मिलने एक से कुरान दे को भी नंबर मिलने, अल्लाह पाक फरमांदे जेड़ा कुरान पाक जाता ताता अटक कटक के पढ़ते मुशक्कत नाल पढ़ते पढ़ता है, मैं हुकुलू ने क्या ता करे सा एक पढ़न दी ने की ते एक अटक के पढ़, सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह ता आखो चा सुभान अल्लाह, ए तहिया करो कि घर के अंदर वाज कैसा कुरान पढ़ने इंशाल्लाह, रोजाना पढ़ने इंशाल्लाह, जे को एक आयत याद है एक आयत पढ़े। मियां देखो औलाद दी जेड़ी तरबियत है, मैं मौलवी कोई खतीब बड़ा कह नहीं ते ना मैं कोई तबलीग कर सकदा, मैं को दूचा जेड़े गाली मैं तो दसे ना पे दीन दा, दुआ करो अल्लाह मैं ही ने ते बे को चलावे अता तो भी आमीन आमीन तौफीक अता फरमावे। मकसद है कि दीन सीखना, दीन को सीखना उल्ला है ताबी दी उतलो बोल इल्म मिनल महद इल्लाह, मियां दीन को सीखो इल्म हासिल करो दीन दा, मां दी गोद विच रख के ते कबर तक दीन सीखने शर्म नहीं करनी, बुढ़ा थोड़ा है तो आओ ने सीखे हाफिज साहब को आओ ने हाफिज साहब मेरा कलमा दा सही चक्कर हो, हाफिज साहब मेरे को दूजा कलमा नहीं आता, हाफिज साहब मेरे को त्रीजा कलमा नहीं आता, हाफिज साहब मेरे को जरा दुआ कनून दा सिखाओ चा, हाफिज साहब मेरे को नमाज जनाजा दा दसाओ चा, हाफिज साहब ते मैं नमाज तो भूल वन्या ते सजदा साहब मैं किवे करूं ते किवे किवे भूलना कित्था कित्था भूलना ते सजदा साहब आवे, ये जेड़े ओ मसाइल हैं कि जेड़े सीखने बोलो लाजमी जरूरी है। अल्लाह पाक साकू समझण दी तौफीक अता फरमावे ते दीन सीखण दी तौफीक अता, शर्म करदे लोग पुछण वास्ते एक दफा जरा उच्ची आवाज में दुरूद शरीफ तक पढ़ो, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. الف حرف لام حرف ميم حرف سبحان الله کتنی نیکیاں مل گئیاں تری जितना एक हर्फ नाल दा नेकियां पे मिलती हैं ते अगर पूरा कुरान मजीद जेड़ बंदा खत्म करे बड़ा कुरान सवाब मिल सन के कोई मिल सन बेशक मिल सन ऐसे मिल सन ई मा खूब दा कुरान खत्म पहला कानून बरका दा सिर करम दा ओ केड़ा है अल्लाह दा कुरान है बेशक बेशक जितना कुरान है जितना सिर्फ कुरान कुरान नहीं करना बल्कि कुरान अल्लाह की दा महफूज रखना है अल्लाह दा कुरान अल्लाह अपने कुरान दे जरिए
ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਦੇ ਵਕਾਲ ਰੱਬੁਕੁਮ ਮਦੂਨੀ ਅਸਤਾਜੇ ਬੱਲਾ ਕੋ मेरा पैगाम दो आखो कितनी सारी खुश नसीबी है सारा रब सबको आखदा सुभान अल्लाह बोलो ना सारा रब सबको आखदा सबको आखदा प्यार क्या आखदा प्यार वकाल रब्बुकु वदूनी हस्ता जब लाको सारा रब तोको प्यार दे ओ मर्दो सारा रब तोको आखदा प्यार ओ औरतो सारा रब तोको आखदा प्यार ओ जवानो सारा रब तोको आखदा प्यार ओ बुढ़ेओ सारा रब तोको आखदा प्यार ए वदूनी दिल अल्लाह का घर बेशक तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा दर हो सुभान अल्लाह तेरा दर हो इहो मसले हाल के बने जे हां बिल्कुल आखो ना बिल्कुल बेशक बेशक इतने मसले हाल के बने तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो तवन्ना मुक्तसर सी है मगर तौहीद तू लानी अल्लाह मेरी तमन्ना है तेरा दर होवे ते मैं टिक्का प्यारा सुभान अल्लाह तेरा दर होवे ते मैं सजदा कीती प्यारा तेरा दर होवे ते मैं मत्था टेके प्यारा तेरा दर होवे अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े वेले सवा करे सन मकाम महमूदा उसी अल्लाह दे पाक पैगंबर आखदे न मकाम ते पहुंच के वका तो साजदा जलाल सामने तजलिया सामने मैं मत्था टेके प्यासा अल्लाह पाक मैं आदा प्यासा अल्लाह अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह मैं सजदा की दी करो मैं इमाम अल अंबिया खतीब अल अंबिया इमाम अल अंबिया खतीब अल अंबिया सैयद अल अंबिया वल मुरसलीन क्या फरमाने मैं उठा मत्था टेकी पे मत्था टेके मैं सजदा करे सा ते मैं क्या सा अल्लाह मेरी उम्मत को माफ मैं सजदे च प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा प्यारा सा मैं क्यों इस वास्ते मसले हल थीवने तो उठाऊ है इस वास्ते ए सभा के साथ के मसला हल करवाने तो हूं दर च अपना मत्था टेक चल के प्यार मैं टेकी प्यासा टेकी प्यासा मत्था ते अल्लाह तहां सीके इरफा या मुहम्मद सुभान अल्लाह सही सोने सिर मुबारक ते चौ चा सुभान अल्लाह ओल मैं जे वेले सिर मुबारक ते सा सजदा करे सा मत्था टेके सा मैं मंग सा हुजात बोलू ते मसला उठे आल खेवणे ते अल्लाह सी इरफा रा सका सिर जा सिर मुबारक जा बस अब को
کوتا وصفا تو جھپا صحیح سوال کرو تر سوال میں رد کر کرے صحیح سفارش کرو میں پوری کرے سیاں منگو اللہ سے میری امت گناہ گار آخر کا مقصد ہے تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی اللہ میری خواہش ہے تیری تمنا ہے تیرا در ہو میں تو ڈھٹا پیارا جب تک میرا مسئلہ اللہ پاک اعلان فرما دے آنکھ لو میری مخلوق ارونی اصلا جبلا قوم بے کو سرمان بے کو بخار میرے کو منگ اس طرح منگ برکت منگ معافی منگ بخشش منگ رحمت منگ پتر منگ پیم کوئی منگ دے دینا بعد تھوڑا بہت گیری بھی بدا رہا ہے وہ دھی اتنے آ کے کام یہ ہے کہ کہنا جو کچھ مانگنا ہے ماں پھاک لسوار اسی سے مانگ اے اکبر یہی بہتر ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد سبحان اللہ بہرحال ادونی استجب لکم اللہ پاک فرمان قرآن دے نال تے کو برکت ملنی ہے پر شرط ہے کہ عقیدہ بھی قرآن والا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے جڑا حافظ قرآن ہے اُدے سینے چ برکت ہے جتھا قرآن ہے پر شرط ہے واستغفر رہ قرآن کو یاد رکھے بلاوے نہیں نہ اللہ لا لا وحرم حرامہ قرآن نے جڑا چیز کو حلال کیتا ہے انہیں کو کیا سمجھے حلال سمجھے آپ کو نا حلال سمجھے کہ قرآن نے اللہ لا لا وحرم حرامہ کہ قرآن نے جنہ کو حرام آکے انہیں کو حرام سمجھے حرام آکے حرام دی ایک مضمون وکھرا ہے بالکل تاں ورنوں دے دل وچ وی قرآن دی غیرت دی فرق کہے گا دوجے نمبر تے مختصر کیا کرے ٹائم کیا تھی ویسے ٹائم زیادہ لاگے نہیں نہیں 5 منٹ پے 5 منٹ 5 7 منٹ پے خیر 5 منٹ تے میں تھوڑا کوئی پابند تک نہیں 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 جلو پہ چلو ایک لوگ آنی پہ تھی سب ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہاں چلو ٹھیک اللہ دا قرآن دیکھو مسئلہ بھائی برکت آندی کی ہے پہلے نمبر تے قرآن دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرائی اے او گل ہے میاں ان نال کئی دا اختلاف تک نہیں کوئی نہ کوئی نہ بولو قرآن والا عقیدہ ہے تے برکت آسی بے شک قرآن والا عقیدہ نہیں تے ایویں آکے میں حافظ آتے ہیں سبینے دے گزارا ودا کرے بولو یہ میں ختمہ دے گزارا ودا کرے کہ قرآن دے عقیدے دے خلاف ہو میں تے برکت نہیں آمنی دوسرے نمبر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کلو امر ذی بال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فاقطع اور وہ کام کیجیے گا بسم اللہ نال نیک کام بسم اللہ نال شروع نہ کی تمنے تے او وی کیا ہوندے بے برکتا ہوندے دسترخوان لگ گیا ہے کھانے لگ گئے ہیں سڈن والا کئی بزرگ سڈن ہے سہی سارے نال روٹی تو کھاؤ چاہ اور نہیں سہی میں ایک دو لک میں برکت واسطے تو کھاؤ چاہ اگر ای قانون تے عمل نہ کرے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے بیان فرمائے کہ کئی بزرگ دا بھی شریک تھی بننا برکت آوے سی
कोई ना बोलो कोई ना कोई अमल ना करे वो केड़ा अमल है जिन्ने नाल बरकत आवणी है बिस्मिल्लाह बरकत आवणी है केड़ी चीज नाल कुल्लो अमर लजी पाल लम जोंदा बे बिस्मिल्लाह ऐसे ही बिस्मिल्लाह मैं तोड़ा मेहमान कोई गाल है ता दसो चमे को अच्छा शुरू की थी मैं तो शुरू की थी बेटा मैं तो शुरू की थी रखाई में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह करे मैं खिल दे रहा हूँ सुभान अल्लाह कुल्लो अमर लजी पाल लम जोंदा बे बिस्मिल्लाह जेड़े कम दी इब्तदा बे बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह दा नाम ना घिंदा वंजे ओ टुकरे तबे बरकत पानी है तबे बरकत कारोबार है तबे बरकत बरकत आउणी है तो अल्लाह दे नाम ना ना जित्ता भी अल्लाह दा नाम से उदे बरकत हो से बेशक लेकिन ला तौहीद वाला नाम है सुभान अल्लाह ए नहीं कि अल्लाह तू ही मुश्किल कुशा है अली भी मुश्किल कुशा है ना अल्लाह तू ही हाजत रवा है फलाना भी लज पा ले ना बरकत अल्लाह दे नाम ना ताणी है कि तौहीद वाला ना होवे अल्लाह तू ही दाता तू ही मुश्किल कुशा तू ही लजपाल तू ही पुकारा सुनन वाला तू ही इज्जत वाले तू ही जिल्लत वाले या अल्लाह तू ही बरकत देवन वाला बेशक या अल्लाह तू ही मौत और हयात दे मालिक बेशक तू ही मौत तो पाक है जिन्हां ते मर मौत आवे मौत तो बाद वाल कोई ना सुन सकदे ना देख सकदे कम कर सकदे ना करा सकदे बेशक हर कोई हर गल सुन वाला वो अल्लाह है बेशक हर वेले जिंदा है मौत तो पाक बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह पाक फरमांदा मेरे नाम विच बरकत मेरे नाम अल्लाह फरमांदा मेरे नाम विच बरकत तो पता चल जाता फरमाया तबारक स्म रब्बे का सुभान अल्लाह आखो ना सुभान अल्लाह तबारक स्म रब्बे का जल जलाले वल इकराम सुभान अल्लाह तबारक स्म रब्बे का तबारक अल्लजी तबारक स्म रब्बे का जल जलाले वल इकराम ਕਰਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਕਰਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਕਰਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਹੱਤਾ ਕੇ ਰਹਿਬਈ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਬਾ ਫਰਮਾਨੇ ਤਬਾਰਕ ਸੁਮ ਰੱਬੇ ਖਾ ਜ਼ਿਲ ਜਲਾਲ ਵਲ बेशक सुभान अल्लाह 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 यार तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही अल्लाह 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 दो हाथ खड़े करो अल्लाह 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 फरमान आखो अल्लाह 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 आयतुल कुर्सी आंदी है ना अल्लाह 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 ने आयतुल कुर्सी की दुआ शुरू की थी फरमाया आखो अल्लाह अल्लाह कौन अल्लाह ला इलाहा सुभान अल्लाह इल्ला ओ जय अल्लाह अल्लाह करे ने बेटे वो तो अल्लाह है जो मुश्किल कुशा है वो तो हाजत रवा है वो तो पुकारा सुन वाला है वो तो इज्जत अल्लाह का मालिक है वो तो मौत है अल्लाह ला इलाहा ओ मौत अल हय्युल कय्यूम ओ तो कुमरे दे आप जिंदा रा
बेशक अपने मौत नहीं आनी अलकयूम बरकत दस्तर खान लगती है सारे पाए गए आज तो आदमियां ए मियां तकिया दूसरी दौर की गाल है पुराने गाली है और तो शादियां थे मैं तो खड़े तड़े खंड खांदे खड़े हो ऐसे प्लेट हाथ में चौंधी चम्मच ना उतो खड़े नहीं जानवर की काट तो उठा खड़े नहीं डंगरे की काट तो उठा खड़े गांव मज की काट तो उठा खड़े घोड़े की काट तो उठा खड़े नहीं में खांदे सुभान अल्लाह जेरी बरकत मेरे पैगंबर की सुन्नत है कि कोई चीज है बेशक 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 मैं कोशिश की करो बह के खादा बह के पानी पीता बिस्मिल्लाह पढ़ के खादा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीता देखो ये तरबियत की गल बेशक बोलो ना ये क्या है तरबियत की गल है मैं तो पहले ही गल करना पे हम के औलाद की तरबियत साडे उते जरूरी है मैं जो नमाज पढ़सा मेरे पुत भी नमाज पढ़से दिया भी पढ़से मेरी घरवाली भी पढ़सी बिल्कुल जेड़े वेले मैं नमाज ना पढ़सा घर कोई नमाज कर ना और मैं ना पढ़सा तो बस हो नमाज पढ़ी वे कौन अब्बा तू तो आप नमाज पढ़ी कह लगी साखू आदि नमाज इन है के कह इन में बिल्कुल मियां औलाद तो सीधे रास्ते ते लावणे जन्नत दी पग डंडी ते चाहणे जन्नत वाली मंजिल ते भेजणे तो वल इयो तरीका है आप या सा अमल करूं नमाज पढ़सूं तो वल औलाद भी नमाज पढ़सी आप मस्जिद ते आए करो छोटे वाले खेलना करो वो भी मस्जिद ते आवे नमाज बेशक घर के अंदर सुनता पढ़ा करो ताकि उठा बीबियां औरतों बालियां उठा कर वो भी सब देख के वो भी इबादत करे बेशक अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपने घरे को कब्रिस्तान न बनाओ अल्लाह क्यों फरमाया है क्योंकि कब्रिस्तान इत सजदा कह नहीं होता कब्रिस्तान इत इबादत कह नहीं होती कब्रिस्तान इत रुकू कह नहीं होता ते जेड़े कब्रां दे अंदर बैठे पे सजदा पे करे नन ए बियां ए गलत है सजदा ता इबादत ता अल्लाह दे घर विच है बेशक इस वास्ते फरमाया अपने घरे को कब्रिस्तान न बनाओ अल्लाह दे सजदे ना क्याम ना इबादत ना ओदे जिक्र ना ओदे अज़कार ना अपने घर को आबाद करो मेरे गाली अच्छा लगते हैं फिर जाने को अच्छा लगते हैं हाथ खड़ा कर दो सुभान अल्लाह अल्लाह करे सब अल्लाह अमल की तौफीक अच्छा से अल्लाह के नाम में क्या है बरकत है अल्लाह के नाम में बरकत है ये याद रखा है बेशक मियां अपनी औलाद के सामने नमाज पढ़ी फरज जेड़े हैं फरज लोगों के सामने पढ़े सही रहे सुनो अलानिया पढ़े करो फरज इधर कोई रियाकारी का नहीं फरज का जेड़ा तारे के बड़ा बदबخت है समझे ना सही फरज अलानिया कीता करो ज़कात अलानिया दीती करो ताकि दुनिया को पता चले मियां ज़कात दें दे इन्हें उशरे अलानिया दीता करो ताकि पता चले मियां उशर भी दें दे ये फराइज जो रहे हैं इनको अलानिया कीता करो दुनिया के सामने पता चले ये अमल करें कितने कानून थे कि बरकत दे सही बोलो टू टू तीसरे नंबर टाइम तो मुक्का खड़े लेकिन मैं अमल को सही बना खाना खा गिदे वे पानी पी गिदे वे बरकत आ गई है अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर फरमाते हैं वल जड़े वेले खाना खा के वल तुसा क्या खाए उदा शुक्र अदा करने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करने जड़े वेले अल्लाह दा शुक्र अदा करे सो दी के मत दा ते नमाज भी शुक्र भी शुक्र बेशक सुहरे असर मगरिब इशा है उस सरे सफात ए होंदे क्या है शुक्र शुक्र करे सो खा पी के सो क्या सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है शुक्र तो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मियां लफ्ज अरबी दे नहीं आंदे ते बंदा अपनी जुबान नाल आख सकदा बेशक ते क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी
अल्लाह मेरा कमाल नहीं ए सारा तेरी रहमत का कमाल है के तने को टुकुर खवाया है तने को पानी पिवाया है या अल्लाह तेरी रहमत का कमाल है के मेरे गले के अंदर ता जड़ा दुआ पैदा कीता है मैं जमाया डंडा लाल और डंडा पैदा की दिल बाबू को बाद मैं अपने अंदरों को हाल को तल्ले लहाया है और दुआ ना होया त लुक्मा किवे तल्ले वनिया हां बेशक या अल्लाह ते खवाया ए भी तेरी नेमत ते पिवाया ए भी तेरी नेमत लेकिन सब तो बड़ी नेमत है के तने मोहम्मद दा गुलाम बना दी सुभान अल्लाह आका दा ते गुलाम च बनाया मुसलमान च कीता है या अल्लाह ए तेरी बड़ी नेमत बेशक अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़े वेले तू ए खा पी के मेरी नेमत दा शुक्र अदा करे से पर मैं क्या करे सा मैं इतनी बरकत दे सा इतनी बरकत दे सा इतनी बरकत सुभान अल्लाह कुरान सुन दो कुरान के आवदे इतनी बरकत ले सा इतनी बरकत ले सा फरमाया ला इन शकरतुम लाज़ीदन अकौम जितना तू ज्यादा मेरी नेमत की कदरदानी करे से शुक्र अदा करे से उतना मैं तेरे ज्यादा दे दवे सुभान अल्लाह उतना ज्यादा दे ज्यादा दे कितने कानून त्राए कानून चौथे तो पढ़ते फरमाया है फकुल तुस्ताउ फिरुदु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा उतने महिया है तुम्हारे कपड़े युसिल समा अलैकुम निकरारहु वजब दरुकुम बे अमवालिम वगनीना वजज सुभान अल्लाह वाह कुरान तेरे समझावण ते इंसान को सुभान अल्लाह हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अल्फाज कबीर च लिखे के कुरान दे जेड़े अल्फाज हैं पूरी दुनिया च ये जे अल्फाज पे हानी कहना जो कुरान च सुभान अल्लाह अल्लाह ने अल्फाज ही ओए नाजिल फरमाएं के जेड़े चचे तुले अल्फाज हैं कुरान में बेशक इनके मुकाबले च भी अल्फाज हानी कहना ना इता फिट नहीं सकते अल्लाह फरमाया इस्तगफिरु रब्बकुम और जो है फरमाया माफी मांगो अल्लाह मांगो माफी मांगो माफिया मांगो इस्तगफार करो माफिया मांगो माफिया मांगो माफिया मांगो अपने वास्ते भी अब्बा अम्मा वास्ते भी दोस्तों वास्ते भी जेरे बहुत दिन नमूना वास्ते मेरे भाई हाजी मूसा खान रहमतुल्लाह अलैह मेरे नाल उन्हां दा बड़ा ताल्लुक बड़ा ताल्लुक बड़ा ताल्लुक है लेकिन किस्मत की गल है कि ये जे जुदाइयां थिन वर जिंदगी विच ना मैं इत्थां आ सकां एक दफा पिछले तो पिछले साल मुलाकात थी लाहौर ए मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के अंदर जलसे अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमावे आमीन ए कोई खुशामद वाली गल नहीं अपने अब्बा अम्मा वास्ते दुआ कीती करो रेणी बनामन वास्ते दुआ कीती करो तमाम मुसलमान जेड़े फौत थी गए मर्द औरतों वास्ते दुआ कीती करो बखीर ना बने करो सब वास्ते दुआ करो रब्बना फिर लना वलि इखवानी लल्लजीन सबकू रब्बी वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लतन लिल्लजीन आमनू रब्बना इन्नका रब्बुल ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ربنا اغفر لنا
والی والدینا والی اساتذتنا والی احبائنا والی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات انت سمیع مجیب الدعاء یا اللہ سب کو معاف فرما آمین اللہ جڑے موجود ہیں اساں سب کو معاف کر